अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 5 को। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को गौर से सुनना है। स्टेटमेंट क्या है? द कंबशन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट कंटेन्स 65.44% कार्बन एंड 5.50% हाइड्रोजन, 29.0% ऑक्सीजन। इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 110.15, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? उसने जो चीजें स्टेटमेंट के अंदर बता दी हैं वो हमने लिख लेनी है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका कंबशन एनालिसिस होना है उसमें तीन एलिमेंट्स हैं, कार्बन जिसकी परसेंटेज गिवन है, और दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन इसकी परसेंटेज गिवन है, और थर्ड एलिमेंट है ऑक्सीजन इसकी परसेंटेज गिवन है। तो कार्बन की जो परसेंटेज गिवन है 65.44% वो हमने लिखनी है। सेकंड में हमने हाइड्रोजन की परसेंटेज लिख ली, और थर्ड में हमने ऑक्सीजन की परसेंटेज लिख ली है। एम्पिरिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमारा टारगेट क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमिन करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ये है। हम ये रिलेशनशिप एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, ये हमने कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला इस रिलेशनशिप। हमारा टारगेट है मॉलिक्यूलर फार्मूला, उससे पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला और एम को डिटरमिन करना पड़ेगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला को पहले डिटरमिन करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला के डिटरमिन करने के स्टेप्स वही फोर है। पहले स्टेप के अंदर डिटरमिन परसेंटेज ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। यहाँ पे इस एग्जांपल में हमें मालूम करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है हमने ली। सेकंड स्टेप होता है डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय देयर एटॉमिक मास। कार्बन की परसेंटेज को कार्बन के एटॉमिक मास, हाइड्रोजन की परसेंटेज को हाइड्रोजन के एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन की परसेंटेज को हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करें। इसकी परसेंटेज को यानी 65.44 को डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास 12 से। इसकी परसेंटेज को 5.50 को डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1.008 से। इसकी परसेंटेज को यानी 29.06 को डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास 16 से। हर एलिमेंट सेकंड स्टेप के अंदर हर एलिमेंट की परसेंटेज को उनके एटॉमिक मास से हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। अब हमने क्या देखना है, इनमें से जो लीस्ट वैल्यू है वो कौन सी है। तो कौन सी है, 1.82 ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है नंबर ऑफ ग्राम एटम। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इन ऑल नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते हैं इनमें से जो लीस्ट वन वैल्यू है सबको, यानी 5.45 को, 5.45 को और 1.82 को, इन सब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को डिवाइड करेंगे इनमें से जो लीस्ट वैल्यू वो क्या है, 1.82। लीस्ट वन वैल्यू है 1.82, डिवाइड करेंगे जी हम लीस्ट वन वैल्यू से, दैट इज 1.82। जब हम तमाम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को डिवाइड करेंगे लीस्ट वन वैल्यू से, देन वी हैव एटॉमिक रेशियो, दैट इज 3, 3 and 1। और इस एटॉमिक रेशियो से हम लिख सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। व्हाट इज द नाउ व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ से एटॉमिक रेशियो से लिखेंगे कार्बन के कितने एटम 3C3, कार्बन के कितने C3 एंड हाइड्रोजन के कितने H3 और ऑक्सीजन के कितने 1 C3H3। ये हमारे पास क्या आ गया है, एम्पिरिकल फार्मूला। टारगेट क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना था, और वो हम कैसे कर सकते हैं, एन को एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करें। एम्पिरिकल फार्मूला ने डिटरमिन कर लिया, अब हमारे पास एन की वैल्यू होनी चाहिए। एन की वैल्यू कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर। मॉलिक्यूलर मास जो है इस कंपाउंड का गिवन है और वो कितना है 110.15, इसको डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये हमारे पास गिवन है, ये गिवन नहीं है तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम उसी तरह से जैसे किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं इसी तरह से एम्पिरिकल फार्मूला मास भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ दिस कंपाउंड जिसका एम्पिरिकल फार्मूला C3H3O, इस एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब के एटॉमिक मासेस को ऐड करेंगे। कार्बन का 12, तो 12 3 का 36,
हाइड्रोजन का 1.008 3 एटम्स होने की वजह से इसे मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन का 16 सबको जब हम ऐड करते हैं देन वी हैव एम्पिरिकल फार्मूला मास दैट इज 55.05 ये हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट किया एंड कैसे हम क्या डिटरमिन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास कितना हमारे पास 110.15 इसको डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास दैट इज 55.05 व्हाट इज n जब डिवाइड करते हैं देन वी हैव द वैल्यू ऑफ n दैट इज 2 इसको इससे डिवाइड करेंगे देन वी हैव 2 n की वैल्यू हम ये 2 पुट कर देंगे और एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे C3H3O तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा C6H6O ये हमारे पास क्या आ गया है एम्पिरिकल फार्मूला है बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप खुद से भी कर सकते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 और 17 इसी तरीके से जी थैंक्स